सो देखो गाइस, हार्डिक्स हो गई है लाल, हाल होने वाला है बेहाल। तो भाई, जिन लोग को भी अपना पीसी अपग्रेड करना था या फिर हार्डिक्स या फिर स्टोरेज सोल्यूशन कुछ भी खरीदना था भाई स्टोरेज के मामले में, भाई अभी एक टाइम बचा हुआ है भाई, जिनको लेना भाई ले लो प्लीज़। क्योंकि भाई हार्डिक्स, SSD और भाई जितने भी स्टोरेज ड्राइव्स होने वाली है भाई, सबके रेट आसमान छूने वाले हैं, जैसे कि GPU की छू रहे हैं अभी के टाइम पे। क्योंकि गाइस हार्डिक्स के रेट्स हाई होने वाले हैं, जस्ट लाइक GPU के हुए थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पीक पे चल रहा है भाई। पीक पे नहीं, मतलब वो चल ही रहा है भाई, चल ही जा रहा है, पता नहीं भाई कब खत्म होने वाला है भाई। GPU के रेट्स कब मिनिमम होने वाले, मतलब नॉर्मल होने वाले, मिनिमम तो नहीं, नॉर्मल होने वाले, पता नहीं। वैसे ही भाई एक नया बला आ गया है मार्केट में, जिसका नाम है भाई चिया कॉइंस। समझो गाइस, चिया कॉइंस। भाई चाय से तो बहुत प्रेम था हमें इंडियंस को, और प्रेम होना भी चाहिए भाई। और वैसे ही भाई एक नाम से आ गया चिया कॉइंस दिया गया है भाई बहुत अच्छे प्रिय दोस्त के द्वारा, जो कि टॉरेंट को भी ईजाद किए थे। ब्राम चौहान ने भाई हमें बिट टॉरेंट को दिया था, और भाई यही चीफ एग्जीक्यूटिव और चार प्रोजेक्ट हैं, और भाई इन्होंने ही भाई डेवलप किया भाई चिया करेंसी, चिया कॉइंस। जस्ट लाइक अ क्रिप्टो करेंसी है भाई, इसका भी अपना एक वैल्यू है। तो भाई देखो, क्रिप्टो करेंसी में भाई बिट टॉरेंट, इथेरियम माइनर्स, सारे लोग भाई माइन करते थे और पैसे कमाते थे। पैसे नहीं, मतलब थोड़ी से उसके कुछ पार्ट्स कमाते थे। बट देखो, अब माइनर्स लोग यूज करते हैं GPU, तो भाई GPU का रेट हाई हो चुका है। और भाई GPU यही काम करता है कि भाई कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं उसको सॉल्व करता है, और भाई ये GPU काफ़ी फास्टली सॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू CPU। तो भाई देखो, आज के रेट में तो भाई CPU भी काफ़ी अच्छे पावरफुल आ चुके हैं मार्केट में। तो भाई अब माइनर्स लोग CPU प्लस GPU दोनों से भाई माइन करते हैं, और भाई उसके कुछ पार्ट्स कमाते हैं जिसका कुछ वैल्यू होता है। तो भाई देखो, एक पेज है यहाँ भाई, बताया गया भाई चिया क्रिप्टो करेंसी, जो कि थ्रेट्स टू स्पाइक इन SSD प्राइस लाइक बिटकॉइन डिड टू GPU। तो भाई ये होने वाला सच बात है। तो यहाँ चिया कॉइन यूज करता था, चिया कॉइन कंपनी किया गया भाई ये क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। तो भाई क्रिप्टो करेंसी यूज करता था भाई प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है ना, और ब्लॉकचेन का यूज करता था भाई ट्रांजेक्शन ये सब के लिए। और इसमें एक प्रॉब्लम था कि भाई जितने तुम नए नए, मतलब जितने कॉइन्स तुम कमाते थे उसमें, भाई देखो अगर एक कॉइन अभी कमा लिया तो भाई देखो, जो एक कॉइन कमाने में मेहनत लगी तुम्हारी 1% लगी, और भाई दूसरी कॉइन कमाने जाओगे तो भाई 1% का भाई वो 10% हो जाएगा। तो भाई उसको, मतलब वो डिक्रीज होते जाता था भाई। जस्ट लाइक तुम एक घंटे में 3 पार्ट कमा लिए भाई कॉइन्स का, और भाई वही एक घंटे में तुम बस 2 या 1 पार्ट कमा रहे हो उसके, तो ऐसा होता था। तो यहाँ भाई साफ साफ लिखा गया भाई मूव टू CPU टू GPU। तो भाई ये दो चीज़ का यूटिलाइज करके भाई माइनर्स लोग पूरी मतलब मजे उठाते थे, और भाई मार्केट से सारे GPUs और CPUs को भाई ऑटो स्टॉक कर ही देते हैं भाई ये लोग। बट भाई अब चिया वालों ने, भाई अब बारी आ गई भाई हमारी, अब भाई हम हार्ड डिस्क को ऑटो स्टॉक करेंगे। तो ये रहा भाई चाय यूजर्स, चिया कॉइंस यूज करते भाई प्रूफ ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो कि उन लोग ने कहा है भाई, क्या बात है। तो भाई ये सिमिलर गोल्स को अचीव करने के लिए, बट स्टोरेज ड्राइव्स, यहाँ स्टोरेज का उन्होंने यूज करेगा। तो भाई देखो, इसके कारण भाई सिंपली हम लोग का भाई स्टोरेज ड्राइव्स में जितने भी चीज़ आती है भाई सबकी प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि भाई बंदे भाई इतने पागल है पैसों के पीछे कि भाई उन लोग को भाई पैसा चाहिए बैठे बैठाए भाई कैसे भी। तो भाई वो अब GPU CPU हार्ड डिस्क सब चीज़ को लगा देंगे भाई, सब चीज़ माइन करते रहेगा और आराम से पैसे कमाएंगे। सो गाइस, तुम लोग तो सोच रहे हो भाई बहुत अच्छी बात है, वाह बेटे वाह, मौज कर दी है, पैसे भी मिलेंगे भाई, ऐसे भी कोई स्टोरेज का भाई यूटिलाइज तो नहीं होता है, दे देंगे करने दो। तो प्रॉब्लम यही आती है गाइस, देखो स्टोरेज ड्राइव्स की एक प्रॉब्लम होती है कि भाई उसमें रीड और राइट होता है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी डिस्क्राइब करती है, और भाई एक टाइम लाइफ स्पैन भी डिसाइड करती है। बहुत लोग बोलते हैं भाई सिस्टम बार बार फॉर्मेट मारने से ख़राब हो जाता है, तो ये सच बात है भाई, ख़राब हो जाती है, सिस्टम ख़राब नहीं होती भाई, हार्ड डिस्क की लाइफ कम होती जाती है और उसकी स्पीड में भी इफेक्ट पड़ता है। लाइफ स्पैन कम हुई तो ऑफकोर्स उसमें स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा, हार्ड डिस्क में होता है ऐसा, ये दूसरा टॉपिक है, ये सब छोड़ो। तो बात आते हैं चाचिया वालों ने यूज कुछ करेगा भाई। देखो स्टोरेज तो तुम्हारी फुल होने नहीं देगा पहली बात, बट वो भाई रीड और राइट करते रहेगा, वो कॉपी पेस्ट डिलीट कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ करते रहेगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक इससे कि तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता रहेगा हार्ड डिस्क में। एक हार्ड कंपनी वालों ने हार्ड डिस्क का लाइफ स्पैन दिया होगा भाई 1000 टाइम रीड एंड राइट स्पीड, ठीक है ना।
उसमें भाई हम लोग कभी यूटिलाइज नहीं कर पाते 1000 टाइम। जस्ट लाइक इमेजिन कर लो 1000 टाइम, बट देते नहीं 1000, उससे बहुत अधिक देते हैं। जस्ट इमेजिन इतना दिया उन लोग ने, चिया वाले माइनर्स, सॉरी चिया वाले को माइनर्स नहीं फार्मर्स बोलते हैं। तो ये फार्मर्स क्या करेंगे भाई, तुम्हारे स्टोरेज ड्राइव्स को भाई हमेशा यूटिलाइज करते रहेंगे, हमेशा मतलब वो पिराते ही रहेगा, मतलब रीड राइट करते करते भाई उसकी लाइफ स्पैन हो जाएगी भाई ज़ीरो, और तुम्हारा हार्ड डिस्क चल जाएगा तेल लेने, या फिर स्टोरेज ड्राइव चल जाएगा तेल लेने। अब तुम खुद सोचो भाई क्या चाहते हो, कुछ अपना सामान स्टोरेज में जो पर्सनल चीज़ें होंगे, या फिर कुछ वो स्टडी मटेरियल्स कुछ खोना होना चाहते हो क्या? नहीं ना, तो भाई मत करना अपने पर्सनल कंप्यूटर पर, मैं ये बोलूँगा। तो भाई जिन लोगों को भाई करना होगा तो वो ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि भाई पैसे फ्री में कौन नहीं लेना चाहता भाई, बैठे बैठे पैसे मिल रहे भाई सिस्टम से, ऑफकोर्स सब लेंगे। तो भाई देखो प्रॉब्लम ये है, ऑलरेडी भाई हार्ड डिस्क की प्राइजेस अप हो गई भाई, जो कि 12 TB की हार्ड डिस्क जो बिकती थी WD वेस्टर्न डिजिटल की भाई, वो सब मतलब उसकी रेट्स बढ़ चुकी है तुरंत। और भाई जो सर्वर ग्रेड्स मतलब ये सब जो 12 TB ये सब का भाई लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है रीड एंड राइट स्पीड का, और प्लस ये सब भाई सर्वर्स ग्रेड कंप्यूटर में यूज करते हैं ये लोग। तो ऑफ कोर्स भाई जिन लोग को भी भाई ये चाय फार्मिंग करना, माइनिंग नहीं चाय फार्मिंग करना, वो भाई ऑफ कोर्स ये सब हार्ड डिस्क ले लो, या फिर स्टोरेज ड्राइव्स को सॉल्यूशन लो जिसका जो कि सर्वर ग्रेड कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, बस उससे आप फार्मिंग करो, पैसे कमाओ, बस मौज कर दो बेटे मौज। हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखो चिया कॉइन्स और चिया फार्मिंग नई नई आई है, तो आई डोंट नो भाई एक कंपनी वाले हार्ड डिस्क, अगर तुम हार्ड डिस्क से माइन करते हो मतलब सॉरी फार्मिंग करते हो, तो आई डोंट नो भाई अगर वारंटी में तेरा हार्ड डिस्क ख़राब होता या फिर कुछ भी, हार्ड डिस्क में क्यों बोल रहा, स्टोरेज सॉल्यूशंस ख़राब होते तो भाई आई डोंट नो उसका वारंटी क्लेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई गैलेक्स जो कि SSD बनाता है, गैलेक्स का नाम तो सुना, गैलेक्स वालों ने भाई साफ साफ कर दिया भाई, जो कि चिया माइनिंग टाइनिंग करेगा भाई चाय बनाएगा मेरे SSD के ऊपर भाई, मैं उसको देगा ही नहीं भाई वारंटी क्लेम, सो गेट लॉस फक ऑफ, यही बोलेंगे भाई वो लोग ने। तो भाई देख लेना भाई कौन कौन कंपनी वाले दे रहे भाई चिया माइनिंग के ऊपर तुम्हें वारंटी, और कौन नहीं दे रहे भाई वो सब चेक कर लेना, तभी भाई कुछ सोचना करने को या फिर नहीं करने को, ठीक है ना। चलो आज बस इतना ही बताना चाहता हूँ भाई, और भाई ये भी ट्रेंड पे आने वाला है, सो बी केयरफुल, जिसको भी लेना भाई स्टोरेज सॉल्यूशन अभी का टाइम है भाई ले लो, जो कि सस्ते में मिल जाएगा आपको, वरना भाई कुछ दिनों या कुछ वीक्स के बाद ये भी हवा आसमान, ये भी सोने मतलब गोल्ड कैसे बिकता है भाई, वैसे बिकने वाले हैं हार्ड डिस्क वाले भी, सॉरी स्टोरेज सॉल्यूशन। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।